माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग का एक सब ग्रुप बनाया है जो ये तय करेगा कि मनरेगा की राशि कृषि के काम में कैसे आ सकती है। प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है और हम लोगों का भी कि किसानों की आय को दुगनी करना है, और दुगने करना है तो अनेकों उपाय किए जा रहे हैं, उसमें से एक आय कृषि को मनरेगा से, एक उपाय कृषि को मनरेगा से जोड़ने का है। मुख्य रूप से आज बैठक में योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीतीश कुमार जी, विजय रूपाणी जी, इन्होंने भाग लिया, और दो मुख्यमंत्रियों के मुझे पत्र आए जो सब ग्रुप में हैं, एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी और एक आंध्रा के मुख्यमंत्री जी। हम लोगों ने विचार विमर्श किया, उसमें मुख्य रूप से चार पांच चीज़ों पर किया। एक, उत्पादन की लागत घटाने में क्या उपयोग हो सकता है। दूसरे, उत्पादन बढ़ाने में क्या उपयोग हो सकता है। तीसरे, उत्पादन के बेहतर मूल्य मिले इसमें हम क्या उपयोग कर सकते हैं। चौथे, फसलों के विविधीकरण में कृषि के अलावा दूसरी चीज़ें जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जिसको हम कहते हैं, और पांचवी, हम प्राकृतिक आपदा में कैसे किसान को राहत में उसका उपयोग कर सकते हैं।